हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। और बहुत कुछ है इस वीडियो में। पहली बात, मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हो एक टोकन मिंट हो रहा है, इसका नाम है फ्लर। और ये ऑलमोस्ट 2% मिंट हो चुका है, तो इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कैसे आपको मिंट करना है। बट आई थिंक ये जो फ्लर टोकन है, ये फ्लर खुद इनका खुद का टोकन हो सकता है। एंड आपको पता है कि इसी में हम लोग बहुत सारे टोकन्स मिंट कर चुके हैं, और ये सब टोकन्स बाद में ये मार्केट पे ट्रेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने कैट फ्री में मिंट किया था, ऑलरेडी अराउंड $2.5 पे ट्रेड हो रहा है। तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो, एंड अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे टोकन्स हम लोग मिंटिंग कर रहे हैं। और इस मिंटिंग के बारे में मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। बट पहले ये सब जो डिटेल्स है, टेलीग्राम ग्रुप में जाती है और ये ट्विटर पे जाता है, तो पहले आप यहाँ पे फॉलो करो ताकि ये सब अपॉर्चुनिटीज में आपको मिल पाए, ये सब अपॉर्चुनिटीज। नाउ लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट। सो मैं आपको और भी बताता हूँ इस टोकन के बारे में, बताता हूँ और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आइगन लेयर की। तो आपको पता है आइगन का एयर ड्रॉप हम में से काफी लोगों को मिला था, क्योंकि हम लोग रीस्टेकिंग कर रहे थे, और मिनिमम 10 या 100 या 50 टोकन तो मिनिमम मिला ही है। काफी लोगों को बहुत ज्यादा भी मिला है, जिन्होंने बहुत ज्यादा रीस्टेक किया था। और आइगन की लिस्टिंग हो रही है कल कल 10:30 को इसकी ट्रेडिंग एक्चुअली चालू हो जाएगी बाइनांस पे। एंड आई थिंक डिपॉजिट इसका कल चालू होगा या आज चालू होगा। बट इसकी अगर प्राइस देखा जाए आइगन की, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, तो अराउंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट $10 तक जाना चाहिए। एक्चुअली इसके बारे में एक एक्सचेंज है जिसका नाम है एल बैंक एक्सचेंज, और यहाँ पे देख सकते हो ये $39 में ट्रेड हो रहा है। एंड आई एम नॉट श्योर कि ये क्या ट्रेड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट तो इनेबल इन्होंने किया नहीं था, क्योंकि मैं डिपॉजिट करने गया तो यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो पाया आइगन टोकन। मैं खुश हो गया था एक बार कि यार मैं अभी $39-40 में आइगन में सेल आउट कर दूंगा, क्योंकि 39 इज अ बिग अमाउंट, राइट? तो आई डू नॉट थिंक कि $39-40 होने वाला है कल, जब ट्रेडिंग इसकी स्टार्ट होगी बाइनांस पे। बट आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट $10 तक अगर टच हो जाए तो काफी अच्छा होगा। एंड बाय द वे, यूनिसॉप पे भी किसी ने पूल क्रिएट किया है, तो आप देख सकते हो यूनिसॉप पे भी यहाँ पे $5 में बिक रहा है। तो अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, तो ठीक है, हो सकता है यूनिसॉप पे ले सकते हो। एंड मे बी हो सकता है बाइनांस पे कल लिस्ट हो तो अराउंड $10 के पास लिस्ट हो। अगेन, किसी को कुछ पता नहीं है, बट मैं आपको ये सब आइडियाज दे रहा हूँ। बट ये सब अपॉर्चुनिटी है, लेट्स सी। तो अगर आपके पास आइगन टोकन मिला था, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, और कल तैयार रहना, ये बाइनांस पे ट्रेड होगा। एंड देखो, ये सीड टैग भी लगेगा जब आप डिपॉजिट करोगे, तो सीड टैग भी लगेगा, तो ये आपको सीड टैग जो है बाइनांस के डिपॉजिट एड्रेस के पास ही दिखेगा आपको, तो उसका ध्यान देना डिपॉजिट के टाइम पे, राइट? तो कल देखते हैं इसका क्या प्राइस में ट्रेड होता है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो अगर आपके पास आइगन मिला था, एंड आपकी प्राइस एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका प्राइस प्रेडिक्शन क्या है। नाउ लेट्स कम बैक टू द मिंट जिसकी मैं बात कर रहा था। तो जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको, एक टोकन मिंट हो, जिसका नाम है फ्लर, ये 2.5% मिंट हो चुका है। नाउ ये जो टोकन है, मुझे लगता है कि ये flur.gg है। flur.gg क्या है? ये बेसिकली जहां पे हम लोग बहुत सारे टोकन मिंट करते हैं, राइट? तो जितने भी टोकन्स हैं यहाँ पे, आप फ्लर पे जाओगे तो अगर यहाँ पे मिंट में जाओगे तो यहाँ पे मिंटेबल या फिर जो शो ऑल, राइट? तो यहाँ पे सब टोकन हम लोग यूजली मिंट करते हैं, राइट, कनेक्ट वॉलेट करके। अगेन, इन्होंने एक्चुअली ऑफिशियली बताया नहीं है, मैंने इनको एक्चुअली यहाँ पे टैग भी किया था, नॉट श्योर इफ टिकर फ्लर इज ऑफिशियल और नॉट, एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो। एंड बाय द वे, ये सब आपको लगेगा यार मैं टोकन मिंट कैसे करूँ, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। बट इन शॉर्ट, आपको क्या चाहिए, आपको यूनिसेट वॉलेट चाहिए, तो यूनिसेट वॉलेट डाउनलोड करना, मेक श्योर करना कि ये यूनिसेट वॉलेट फ्रैक्टल मेननेट पे है, राइट? एंड उसके बाद आपको कुछ लगेगा FB टोकन, जो आप कॉइनिक्स से ले सकते हो, अराउंड $10 के आसपास चल रहा है। और अगर आपको पूरी डिटेल में वीडियो देखनी है, तो ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है हाउ टू मिंट 10x 50x टोकन, तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, पर अगर एक्चुअली आपको ये टोकन मिंट करना है फ्लर, ओके, तो फ्लर को मिंट करने के लिए इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे आओगे, अपना वॉलेट कनेक्ट करोगे, एक बार वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका वॉलेट कनेक्टेड है। आपके वॉलेट में कुछ FB का बैलेंस होना चाहिए, देखो यहाँ पे 0.5 बैलेंस है। और FB कहाँ से लोगे? ये लोगे आप कॉइन एक्सचेंज से, यहाँ पे FB ट्रेड हो रहा है।
तो ये बेसिकली यहाँ से लेके आप अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर दोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद ये फ्लर पे, तो यहाँ पे आ गया आपके पास। अब सिंपली यहाँ पे आपका वॉलेट कनेक्ट करके मिंट नाउ पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे फीस लगेगी 0.002। साइन हो गया, ये देखो ट्रांजेक्शन ब्रॉडकास्टेड एंड दैट्स इट। तो ये मेरे को कितना आ रहा है, लिमिट पर मिनट मेरे को 10 टोकन आ रहा है। तो ऐसे मैं कई बार कर सकता हूँ, अगर मेरे को 50 टोकन चाहिए तो मैं इसको 5 बार कर सकता हूँ एंड दैट्स इट। उसके बाद ये जो फ्लर टोकन है, होपफुली ये मार्केट पे ट्रेड होना चालू हो जाएगा, जो भी $1 $2 में, तो जो भी है, मतलब मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है यहाँ पे, खाली थोड़ी सी फीस लग रही है, कुछ 10 सेंस या 20 सेंस की फीस लग रही है, राइट। तो इस तरह से आपको टोकन्स मेंट करने होते हैं और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बना चुका हूँ, तो ये पूरी वीडियो देख लेना। और ऐसे बहुत सारे मिंट आते रहेंगे। जिससे मैंने बताया कि आई एम नॉट श्योर ये ऑफिशियल टिकर है, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं है कि ऑफिशियल टिकर है, बट ये लोग बहुत कुछ काम कर रहे हैं। अगर आप ग्रुप में हो, अगर आप ऑलरेडी मिंट करते हो, तो मैं आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, इन्होंने रिसेंटली ट्वीट किया था कि ये लोग बेसिकली एक एक्सचेंज भी लॉन्च कर रहे हैं, तो आई थिंक कि इन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है, क्योंकि बहुत लोग मिंट करने जाएंगे तो गैस भी हो जाएगी और मिंट भी नहीं होगा। तो आई थिंक इन्होंने, लगता है, सुमड़ी में लॉन्च कर दिया है, देखते क्या होता है। बट अगर आपको पता है तो आप मिंट कर सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड अगर आप ग्रुप में हो या ट्विटर फॉलो कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी मिंट कर रहे हो, तो अच्छी बात है। दूसरा चीज, और एक NFT मिंट हो रही है जिसका नाम है होन्जो मोमो। तो इन्हें उनका 3 राउंड है, पहला राउंड 1 FB में है, दूसरा राउंड 1.5 FB में है, जो दोनों व्हाइट लिस्टेड है उनके लिए मिंट हो रही है। पब्लिक मिंट के लिए 2 FB है, बट इसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, आपको पता है। एंड आई डोंट थिंक कि ये, क्योंकि देखो टोटल NFT 3,333 है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे भी मिल पाएगा ये पब्लिक मिंटिंग में 2 FB में। बट सेकेंडरी मार्केट में जब ये ट्रेड होना चालू हो जाएगा यहाँ पे यूनिसेट मार्केट प्लेस में, राइट, या फिर होपफुली फ्रैक्टल, या आई थिंक यहीं पे ट्रेड होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या प्राइस तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिसेट के मार्केट प्लेस में क्या प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। एंड अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो यहाँ पे खरीद सकते हो। आपको पता है ये जो कुछ लिस्टिंग, जो जैसे डोमोडक्स था, राइट, जो पहले दिन ये 20 FB का ट्रेड हो रहा था एंड बाद में 80 FB तक गया था एंड आज अभी 40 FB पे बिक रहा है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज होन्जो मोमो के साथ भी हो सकती है, होन्जो मोमो भी पंप हो सकता है, तो होन्जो मोमो भी पंप हो सकता है। तो डेफिनेटली इसकी नज़र रखना सेकेंडरी मार्केट पे कि क्या प्राइस पे बिक रहा है। नाउ जो तीसरा है, अगेन इसके बारे में मैंने सुबह ही आपको ट्वीट कर दिया था, तो आई होप आप प्रिपेयर थे। उसके बाद जो तीसरा चीज़ है, पिज्ज़ा शॉप। पिज्ज़ा शॉप बेसिकली एक डिसेंट्राइज एक्सचेंज है जो फ्रैक्टल पे लॉन्च हुआ है। आज एक्चुअली इनका लाइव हो चुका है, इसको मैंने एक्चुअली टेस्ट भी किया आज। तो ये देखो, ये ट्रांजैक्शन मैंने आज क्लीजी कुछ में स्वाप करने को देख रहा था, बट इनकी जो ट्रांजैक्शन फी है वो फ्रैक्टल में नहीं लगेगी, FB टोकन में नहीं लगेगी, BSATs में लगेगी। तो ये BSATs भी इनका ही एक्चुअली टोकन है, टिकर है, जो इन्होंने ऑर्डिनल्स में लॉन्च किया था ऑर्डिनल्स के टाइम पे। तो ये BSATs पे आपको फीस लगेगी एंड बेसिकली इसको आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। यहाँ पे पहले स्वाप पे जाओगे तो जो भी टोकन आपको स्वाप करना है, पहले आपको वो डिपॉजिट करना पड़ेगा, इंस्क्राइब ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उसके बाद वो स्वाप में रिफ्लेक्ट होगा, उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर पाओगे। इसके ऊपर अगर आपको डिटेल चाहिए, डिटेल में वीडियो चाहिए पिज्ज़ा स्वाप के ऊपर, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बताना, कमेंट बताना, तो मैं पिज्ज़ा स्वाप के ऊपर, अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बट इट्स अ गुड न्यूज़, क्योंकि इससे बहुत सारे BRC20 टोकन्स ट्रेड होना चालू हो जाएंगे एंड आई थिंक CAT20 के टोकन्स भी ट्रेड होने, ये लोग ने बोला कि CAT20 टोकन्स भी ऐड करेंगे बहुत जल्दी ही। चीज़ जैसे मैंने बताया, ग्रुप में बहुत सारी अल्फा न्यूज़ है, यहाँ पे मैं ही नहीं बट मेरे से भी ज़्यादा लोग एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, जो एक से एक न्यूज़ शेयर कर रहे हैं। सो सिमिलरली एक भाई ने यहाँ पे, देखो यहाँ इन्होंने भाई ने हम लोग के साथ ये शेयर किया था, ब्लब। ब्लब क्या है, बेसिकली एक मीम टोकन है जो सुई ब्लॉकचेन पे बना हुआ है एंड आपको पता है कि सुई का बड़ी बातें हो रही हैं आजकल ट्विटर पे, आई एम नॉट श्योर क्यों, बट जो ये टोकन है ब्लब टोकन, ये मीम कॉइन है, ये सुई पे, और अभी भी इसकी मार्केट कैप 47 मिलियन है। और इसका डेली चार्ट देखोगे तो ये देखो एवरी डे ये पंप हो रहा है, राइट, यहाँ से देखो 27, 30, 40, 42, राइट। सो यहाँ पे देख रहे हो, तो आई थिंक ये देखो, ये कमाल है यार, ये देखो कमाल है, ये देखो एवरी डे, नॉट एवरी डे, तो एवरी ऑल्टरनेट डे इसका ग्रीन कैंडल है।
तो कहने का मतलब क्या है, मुझे लगता है कि देखो सुई की बातें हो रही हैं और सुई पे जो ब्लब है ये आई थिंक टॉप मीम कॉइन है, तो ये और भी पंप हो सकता है। तो अगर आपको मीम कॉइन के साथ खेलना है तो आप इस पर एक नज़र रख सकते हो, आप वही इन्वेस्टमेंट करना जो आप लूज़ करने के लिए तैयार हो। मीम कॉइन के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाया है कि कैसे मीम कॉइन का क्या सिग्निफिकेंस होता है, प्रोजेक्ट मीम कॉइन क्यों लॉन्च करते हैं, चाहे वो सोलाना हो चाहे वो ट्रॉन हो, क्योंकि मीम कॉइन अगर जब लोग ट्रेड करते हैं तो ब्लॉकचेन का काफ़ी फ़ायदा होता है, उनकी काफ़ी अर्निंग होती है फीस में, इसके लिए हर एक ब्लॉकचेन चाहता है कि उनकी एक हिट मीम कॉइन हो। एंड आई थिंक ये जो ब्लब है ये सुई का हिट मीम कॉइन है, तो इस पर डेफिनेटली नज़र रखना। एंड जैसे मैंने बताया ट्विटर पे मुझे फॉलो करो, बहुत सारी अपडेट्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर ट्विटर पे नहीं हो तो क्रिप्टो में बहुत कुछ मिस कर रहे हो। एंड डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो एंड ऑफ कोर्स इसको सब्सक्राइब करो। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। टेक केयर, बाय।